अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे सियासी तौर पर मुसलमानों का तसल्लुत या अहमियत कितनी रह गई है, इस पर भी तबादले ख्याल होना चाहिए। मुसलमान मजबूरी में कांग्रेस को वोट तो कर रहा है, लेकिन इस मजबूरी के पैमाने को भी नापना जरूरी है। सिर्फ भाजपा को हराना या सत्ता से दूर रखना या फिर संघीय विचारधारा, फिर मोदी शाह जैसे शिद्दत पसंद हिंदुत्ववादी लीडरों को हराने के लिए बिना सोचे समझे ऐसी पार्टी को वोट करते जा रहे हैं जहां अब किसी तरह की विचारधारा बाकी नहीं रही। यकीनन भारत जोड़ो यात्रा का असर नजर तो आ रहा है, पर क्या वाकई वोटरों में भीड़ तब्दील हो जाएगी? वैसे भी गोदी मीडिया भाजपा का नैरेटिव सेट करने के काम में लगी हुई है और अब से ही भाजपा की जीत का ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं। आखिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये भी सवाल उतना ही है। बड़े बड़े सियासी माहिरीन कांग्रेस को छोड़ दीगर पार्टियों का दामन थाम रहे। इत्तला के मुताबिक भाजपा में अक्सर लीडर कांग्रेस से ही भाजपा में गए हुए। 170 के करीब दीगर पार्टियों से भाजपा में शमूलियत हासिल करने वालों में 100 से ज्यादा तो कांग्रेस ही के हैं। भाजपा से शमूलियत अख्तियार करने वाले कोई पैदाइशी संघी विचारधारा से नहीं थे, कांग्रेस जनता दल और अब तो शिवसेना से भी भाजपा में जाकर हुकूमतों को तब्दील करने का काम किया जा रहा है और तमाम का एजेंडा एक ही है और वो है मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा। जितना मुसलमानों को गाली या इस्लाम नबी की शान में गुस्ताखी या फिर इस्लामी कवानीन को तब्दील करने की बात करता हो, उतना ही सच्चा देशभक्त राष्ट्रहित में काम करने वाला बन जाता है। और यही देखा भी जा रहा है। आज सियासी मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने भी इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। रियासत कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर लोग हसास हैं, मोहब्बत है, चाहते हैं। टीपू को भले मुसलमानों का लीडर कहा गया हो, लेकिन भारत की शान अगर कहा जाए जिसने अपने जान के नजराने पेश करके इस मुल्क को आजादी का सबक सिखाया था, वरना यहाँ पर तो गुलामी के सबक सिखाए जाते थे। यहाँ के जहनियत गुलाम थी, लेकिन इस गुलाम जहनियत से आजाद कर टीपू सुल्तान शहीद ने आजादी का पाठ यहाँ की आवाम को पढ़ाया था। इससे पहले भी भाजपा या संघीय विचारधारा के लोगों ने टीपू सुल्तान को देश विरोधी, कभी हिंदू विरोधी तो कभी कन्नड़ विरोधी साबित करने की कोशिश की है। कांग्रेस की हुकूमत में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने का सरकारी तौर पर ऐलान भी किया था और अमल भी किया था, लेकिन दरमियान में काफी वक्त गुजर गया। सियासी एजेंडे, महंगाई, बेरोजगारी, GDP, गिरता रुपया या दिगर मसाइल से हटकर मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को वोटों की खातिर ही सही जो लोग रिझाने में लगते थे, अब वो दूर भी होने लगे हैं। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी बहुजन समाज पार्टी या फिर पिछले 70 सालों से मुसलमानों के वोटों को एक तरफा हथियाने वाली कांग्रेस ही क्यों ना हो। लिहाजा इसी का एक नमूना इस वक्त की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला। राहुल गांधी श्रीरंगपट्टन के मंदिर और चर्च में गए, वहां दाखिल हुए, पर करीब ही महज 3 किलोमीटर दूर पर श्रीरंगपट्टनम में शेर हिंद टीपू सुल्तान की मजार, जिसे शाही गुंबज कहा जाता है, वहां जाने से क्यों चूक गए? और यह महज इत्तफाकिया गलती नहीं है, बल्कि कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए इसी एक मंशा को मद्देनजर रखकर राहुल गांधी नहीं गए, ये उतना ही सच है। अब इसके बाद मुसलमानों में भी बेचैनी इसलिए है क्योंकि आखिर मुसलमानों के साथ तमाम सियासी पार्टियों का रद्दअमल क्या पैगाम देता है? क्या अब मुसलमानों का सियासी वजूद ही नहीं रहा? अब तक तो कांग्रेस को जिंदा रखने में मुसलमानों के वोट ही अहम रहे हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस भी मुसलमानों से फासला रखना चाहती है, क्योंकि मंदिर और चर्च पर तो जा सकते हैं, पर कर्नाटक का वो शेर जिसने इस मुल्क के खातिर अपनी जान माल अपनी आल औलाद को तक अंग्रेजों के पास गिरवी रखा, वो अजीम मुजाहिद आजादी टीपू, राहुल गांधी को क्यों याद नहीं आया? टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मंसूर अली टीपू को जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने टीपू के मजार को नजरअंदाज कर एक तरह से टीपू सुल्तान की तौहीन की है। इससे पहले भी इसी तरह 2012 में टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी की तामीर का झूठा वादा कांग्रेस लीडर रहमान खान की तरफ से दिया गया था। 2015 में सिद्धरामैया ने टीपू जयंती को तो शुरू किया, पर जब भाजपा ने टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को मनाने को रद्द किया तो खामोश भी रहे। लिहाजा टीपू सुल्तान को लेकर कांग्रेस का भी रवैया कुछ अलग नजर आ रहा है। वाजा रहे इंदिरा गांधी ने 1974 में टीपू सुल्तान के मजार को जाकर चादर चढ़ाई थी, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पर जिस तरह का बदलाव मुसलमानों को लेकर कांग्रेस में आ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। अब वो दिन नहीं रहे जो अंधे बनकर अंधभक्तों की तरह चलते रहते थे। और इतना भी मुसलमानों को बेगरत नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी मुसलमानों को लेकर कुछ भी कहे और हम खामोशी से तमाम जुल्म सहते रहे। क्यों ना हम आने वाले चुनाव का ही बायकॉट कर दें? क्या ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि एहसास भी तो दिलाना चाहिए, और अगर एहसास होता है तो फिर वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी पार्टी को वोट करके मुसलमानों को क्या हासिल हो रहा है?
मुसलमानों पर जुल्म करना, मुसलमानों के नबी पर, बुजुर्गों पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर इसे देश हित से जोड़ना, और कोई भी ऐरा गहरा शख्स मनमानी बयानात देकर ऐसा समझ रहा है कि ये कौम अब वो नहीं रही, अब इसे कैसे भी किसी भी तरह हाँका जा सकता है, ना तो इसके दीनी या सियासी रहनुमा कुछ करने के काबिल रहे हैं, और ऐसे में भी कुछ मुस्लिम काई जो अपने आप को कौमी हमदर्द समझते हैं सियासी लीडरों की चौखट पर पड़े रहते हैं, और दिन ब दिन ऐसे बेगैरत सियासी लीडरों की तादाद बढ़ते ही जा रही है। खैर, आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के टिपू सुल्तान के मजार पर जानबूझकर न जाना इस बात को वाज़े करता है कि मुसलमानों को तो कांग्रेस के सिवा कुछ चारा है ही नहीं, इनको कितना भी जलील करो आखिर आएंगे तो यही, ऐसा शायद इन्होंने सोच लिया होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप दिगर पार्टियों को वोट करें, क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस बार का चुनाव मुसलमान खामोश रहे, इन्हें आपस में ही लड़ने दो, ये फैसला करे इनकी अक्सरियत अवाम, फैसला करे कि कांग्रेस या भाजपा। और वैसे भी उमूमन कहा जाता है कि आप वोट किसी को भी दो या ईवीएम या फिर किसी भी सियासी पार्टी से जीत कर आए तो भाजपा खरीद ही लेता है, जाहिर है भाजपा की ही हुकूमत बननी है तो दिगर वोटरों को सोचने दो कौन देश हित में बेहतर है, जब महंगाई बेरोजगारी इस मुल्क का मसला नहीं है और अक्सरियत लोगों के लिए मंदिर मस्जिद हलाल झटका हिजाब तीन तलाक जैसे ही मसले हैं ना, तो मुसलमान कुछ देर के लिए किनारे खड़ा होकर देखे, क्योंकि किसी पर भरोसा करे तो कैसे करे, कोई छिप कर तो कोई खुलेआम भाजपा का हिमायती और मुसलमानों के मुखालिफत में एजेंडा चला रहा है। अब जब सियासी सरगर्मियां जारी है तो मुसलमानों की हिमायत में खुलकर बोलने से हर सियासी पार्टियां बस्ती नजर आ रही हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करें, पहले मुसलमान किसी तरह प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश तो करें, यकीनन नहीं आ सकते ये तो है ही, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स पर हम मुत्तहिद तो हो सकते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े बनकर बिखरने से एक मुट्ठी बनकर इत्तेहाद का मुजाहरा करो, तभी जाकर अपनी कुव्वत अपनी एकता की ताकत इन सियासी पार्टियों के समझ में आएगी। फिर थोड़ी देर मुसलमान ही सियासी मैदान से दूर रहेंगे तो इनके पास एजेंडा क्या रहेगा, मुसलमानों से दुश्मनी पर ही तो इख्तदार हासिल किया जा रहा है, और सभी सियासी पार्टियों की रोजी रोटी तो मुसलमान दुश्मनों से ही तो चल रही है, तभी तो मुसलमानों के नस्ल कुशी की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने के ऐलानात खुले मंचों से किए जा रहे हैं, अभी जब दशहरा चल रहा है तो गुजरात मध्य प्रदेश यूपी में मुसलमानों को सड़कों पर पीटा जा रहा है, अब तो कुछ मदरसे के मौलाना भी मोहन भागवत की खुशामद में लगकर तारीफ के पुल बांध रहे हैं। अगर जिंदा रहने के लिए ही तमाम समझौते करने हैं तो फिर ये जिंदा रहना भी क्या मायने रखता है, शहीद टीपू सुल्तान का मशहूर कौर क्या पैगाम देता है कि गीदड़ की हजार साल जिंदगी जीने से शेर के एक दिन की जिंदगी जीना बेहतर है। खैर, मुसलमान गुलाम जहनीत से बाहर आए, अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तब्तीरे, जो वज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, कुछ सख्त फैसले हमें लेने होंगे, कब तक कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी का दामन थामते रहेंगे, पार्टियां इनके झंडे मुख्तलिफ है लेकिन इनका एजेंडा तो मुस्लिम मुखालिफ ही है, कांग्रेस खुद एक डूबती हुई कश्ती नजर आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस इक्तदार में आने की बात तो कही जा रही है पर क्या भाजपा ऐसा होने देगी, और क्या फर्क मुसलमानों को पड़ता है जब इतना जुल्म हो ही रहा है तो कुछ और सही, लेकिन अपने वकार अपने मर्तबे को दोबारा हासिल करना है तो मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है, और जब इतनी बड़ी कौम मुत्तहिद होकर किसी नतीजे पर अपना फैसला सुनाती है तो तमाम पार्टियों को मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को बदलना भी पड़ेगा। राहुल गांधी का मंदिर और चर्च में जाकर टीपू के मजार पर ना जाना बहुत कुछ बयान करता है, भले कुछ लोग समझे या ना समझे, क्योंकि अंधवक्त सिर्फ भाजपा में ही नहीं है कांग्रेस में भी है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मुसलमान ही है। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम, आप टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से हैं, फिलहाल जो मौजू जेर बहस है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है श्रीरंगपटना तक पहुंची थी, मंदिर और चर्च में तो गए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जाने से वो क्यों चूक गए, इसके पीछे क्या वजह है, आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, पहले तो मैं शुभकामना देता हूँ जो राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर का यात्रा भारत जोड़ो का शुरू किया। मुसलमान आवाम जिस तरीके से 100% से ज्यादा कमिटेड और कंफर्म कांग्रेस के साथ है, तमाम मुस्लिम नौजवान और तमाम तंजीमें बड़ा ही खुश थे, क्योंकि जैसा रियासत कर्नाटक का है, शहर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पे पहला कदम रखे। इससे पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब चालू हुआ 1970 पर चार में, जब जनाब अजीज सेठ साहब, जाफर शरीफ साहब तमाम ने मिलकर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मैसूर सिटी से ही हुई थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी साहब को भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद के
हजरत टीपू सुल्तान शहीद की मजार मुबारक पर जियारत करनी थी, जियारत अगर करते तो एक मैसेज बहुत अच्छा सा रियासत हिंदुस्तान को जाता कि मर्द मुजाहिद अव्वल हजरत टीपू सुल्तान जो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए अपना आखिरी लहू तक लगाए, बारिश में भीगना कोई बड़ी बात नहीं थी, न्यूज नहीं थी राहुल गांधी की, जबकि हजरत टीपू सुल्तान अपना लहू अपना जिस्म अपना आँख लहू से नहा लिए थे, खून के लहू से, और हजरत टीपू सुल्तान अपने बच्चों को तक गिरवी रखे। तो राहुल गांधी साहब को मंदिर जाना मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक सेक्युलर मैसेज जाता है मंदिर जाना है चर्च जाना। अफसोस हमें ठेस ये पहुंचा कि राहुल गांधी साहब मजार पर क्यों नहीं गए, इनको रोका किसने था? क्या मुस्लिम कायदेन राहुल गांधी साहब को सजेशन देकर यहाँ जाना बहुत जरूरी है, नेशनल न्यूज आ सकता है, मैसेज क्यों नहीं दिया? और मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी साहब भी बेहतर जानते हैं कि श्रीरंगपट्टन हजरत टीपू सुल्तान शहीद की रियासत थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की जगह थी, और टीपू सुल्तान शहीद की कुर्बानियां महदूद तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी एक नेशनल लेवल लीडर है, गांधी फैमिली से है, प्राइम मिनिस्टर फैमिली से है, तो उनको बेहतर मालूम है कि श्रीरंगपट्टन में क्या है, और मुझे जियारत इस चीज की करना है। नौजवान जो तफा है शहीद आजम टीपू सुल्तान शहीद के चाहने वाले बेहद नाराज है इस चीज के लिए। मैं चाहता हूँ कि रियासत कर्नाटक की केपीसीसी एआईसीसी से जवाब दे, नहीं तो आज के बाद ये जो दुकान चला रहे हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से वोट बैंक, हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से सॉफ्ट कॉर्नर, आज ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम बीजेपी से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुली मुखालिफत टीपू सुल्तान पे करते हैं। जहां सॉफ्ट कॉर्नर सिद्धरामैया साहब 2015 में जबकि शेर कर्नाटक हमरुल इस्लाम साहब की क्यादत में जोर पकड़कर छीन कर हमें प्रोग्राम दिया गया था, आज ऐसी लीडर की कमी होने की वजह से हमें महसूस हो रहा है। खास अगर हमरुल इस्लाम अगर मौजूद होते तो ये आज दिन कांग्रेस के अंदर देखने नहीं मिलता। ये इंसल्ट मैं समझता हूँ मुसलमानों की, क्योंकि हमारे रियासत हिंदुस्तान के चेहरे और हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत जिसको आइडल मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव हजरत टीपू सुल्तान है, बल्कि मुसलमानों के नहीं दलितों के पिछड़ों के और तमाम समाजों के, मैं इससे बेहद सेंटिमेंटेड, हमारी फैमिली भी इससे सेंटिमेंटेड है और इससे हम नाराज भी हैं, गुस्सा भी जाहिर हो रहा है कुछ नौजवानों का। मैं चाहता हूं कि फौरन से फौरन राहुल गांधी साहब इसकी खुलासा करें या फिर उनकी कांग्रेस कमेटी खुलासा करे इस चीज के लिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आज से कांग्रेस को बायकॉट करते हैं। जो हमारे सुल्तान का नहीं वो हमारा नहीं, ये स्लोगन रहेगा हमारा। पीएफआई के तमाम 7 कारकुनों की रिहाई अमल में आई है। इत्तला के मुताबिक पिछले हफ्ते पीएफआई के कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिन पर दफा 110 तहत हाईवे जाम का मुकदमा चलाया गया था। और वैसे भी पीएफआई पर पाबंदी को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर रखे जाने की बात कही गई थी, लिहाजा इनकी बरोस शनिचर को रिहाई अमल में आई। आज आजमनगर एपीएमसी रोड पर पटेल एंटरप्राइजेस के डूरियन फर्नीचर का आलिशान शोरूम का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। डूरियन फर्नीचर की फ्रेंचाइजी पटेल एंटरप्राइजेस ने हासिल किया, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर खास तौर से सोफा बेड टिपाई वगैरह दस्तियाब है। लिहाजा बेलगाम के आवाम को एक बार शोरूम जरूर आने की गुजारिश पटेल एंटरप्राइजेस के मालिक की जानिब से की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank you.
मैं संजीव डूरियन इंडस्ट्रीज़ मुंबई की तरफ से, और ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर मिस्टर साबिर जी बेलगाम के। तो हमने ये स्टोर आज ओपनिंग किया है। ये डूरियन इंडस्ट्रीज़ की 52nd स्टोर है इंडिया में, और आज हमने बेलगाम में इसकी ओपनिंग की है। डूरियन इंडस्ट्रीज़ डूरियन फर्नीचर 1985 से, पिछले 35 साल से हम प्लाईवुड, विनियर, डोर, लैमिनेट्स और होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर बना रहे हैं। 52 स्टोर में से 20 स्टोर हमारे कंपनी के हैं और 32 स्टोर हमारे फ्रेंचाइजी के, और हम इस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं पैन इंडिया में। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं होम फर्नीचर में, बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, वार्डरोब, सेंटर टेबल, साइड टेबल, टीवी टेबल, प्लस होम फर्नीचर में ऑफिस चेयर्स एंड ऑफिस टेबल्स हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनते हैं, और सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं हम खुद बनाते हैं। तो हमारी कंपनी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए 5 साल की वारंटी देती है, और हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारे को ये सुविधा है कि हम कस्टमाइज़ करके भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बना सकते हैं। अगर एक सोफ़ा का कलर ब्राउन है या ब्लैक है तो हम और भी 10 कलर के बना करके कस्टमर को दे सकते हैं, मेड टू ऑर्डर भी हो सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जो स्टार्टिंग रेंज है बहुत ही मिडिल क्लास रेंज है, 50,000 60,000 से सोफ़ा, 60-70,000 से डाइनिंग बेड्स शुरू होते हैं। हमारे दो चैनल हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, कहीं भी जाएंगे प्राइस सेम ही मिलेगी। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टोर में आकर ख़रीदें, प्रोडक्ट को फील करें, एक्सपीरियंस करें और यहीं से बाय करें। सेकेंड थिंग इज़ 5 साल की वारंटी है, जो मार्केट में आज की तारीख में कोई नहीं देता, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और चूंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो हमको पता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसलिए हम 5 साल की वारंटी देते हैं। बेलगाम में हमने डूरियन इंडस्ट्रीज़, जिसके बहुत ही मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सोफ़ाज हैं, जिसमें बेड्स हैं, जिसमें लेदर के प्रोडक्ट हैं, लेदरेट के हैं और फैब्रिक्स के हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट हैं। और हमने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर शोरूम खोले हैं जो आज़म नगर में APMC रोड पर है। सो इसलिए हम तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट डूरियन के आपके घर की रौनक बढ़ाएगा, और इसको आप ख़रीद कर आप बहुत ही अपनी आराम और खुशी का एक एटमॉस्फियर फील कर सकते हैं अपने घरों में। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आइए हमारे शोरूम में, देखिए प्रोडक्ट को, फील किए और आप प्रोडक्ट को अपने घर का एक हिस्सा या साथी बनाइए। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है।